नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। रामचरित मानस को लेकर अनर्गल बयानबाजी से शुरू हुआ महाभारत अब शारीरिक हमलों तक पहुंच गया है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कुल जमा हासिल क्या है, ये बड़ा सवाल है। धर्म तो जीवन जीने की आचार संहिता ही है और जीवन जीना सिखाता है। समाज में इस घटनाक्रम और ये जहरीली बयानबाजी से कितनी सकारात्मकता आई है, कितनी सकारात्मकता आई है या वैमनस्यता फैली है, ये बड़ा सवाल है। राजनेताओं पर अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास का आरोप लग रहा है, तो वहीं मीडिया की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठ रही हैं और मीडिया भी सवालों के घेरे में है। गौर करने की जरूरत इनके इरादों और इस घटनाक्रम के परिणामों पर है। यह राजनेता और धार्मिक नेता समाज को जोड़ना और समृद्ध करना चाहते हैं या फिर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। मंथन पर महाभारत आज इसी पर बात। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से समाजवादी पार्टी के सहमत होने के सवाल पर इटावा में आज पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि राजनीतिक दल भोले बाबा की बारात जैसे होते हैं। इसमें अच्छे और टेढ़े मेढ़े दोनों तरीके के लोग होते हैं, सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है, कभी कभार यह भी काम आ जाते हैं। इससे पहले कल लखनऊ के ताज होटल में एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में अयोध्या से पहुंचे जगतगुरु आचार्य परमहंस और अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास तथा अन्य संतों का स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों से आमना सामना हुआ और दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। ये तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर हैं, ये ताज होटल की हैं। फिर दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए और इस घटनाक्रम के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे की हत्या कराने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिख दी गई, डीएम, पुलिस कमिश्नर और मीडिया संस्थान को भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी लिखी। इस बीच सपा मुख्यालय लखनऊ में एक फिर पोस्टर लगाया गया है, इसमें रामचरितमानस की एक और चौपाई पर विवाद है और इस विवाद में एक नया पन्ना ये पोस्टर जुड़ गया है। इस चौपाई में कुम्हार कोल कलवार जाति को नीच बताया गया है। चौपाई ये है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये विवादित बयानों से सियासी हवा गर्मा रही है। जाहिर है चुनावी साल में नफा नुकसान और वोट बैंक को साधने की गणित के साथ राजनीतिक पार्टियों ने बयानवीरों को, इच्छाधारियों को, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि राजनीतिक दलों ने इच्छाधारियों को, एक इच्छाधारी का अलग कम्युनिटी है, उनको मैदान में उतार दिया है। इससे सामाजिक ताने बाने को होने वाले नुकसान के अंदेशे को भांपना और उससे सचेत करना भी हमारी जिम्मेदारी है, यानी हम सबकी जिम्मेदारी है, पत्रकारों की भी है, समाज की भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यह भी प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने राज्य में मंत्री रहते समय यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। बीजेपी या अन्य हिंदू संगठनों ने सवाल उठाया कि भाई जब वो मंत्री थे बीजेपी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की जो पहला कार्यकाल था उसमें मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया। तब उन्होंने, उन्हें क्यों नहीं याद आई कि भाई रामचरितमानस में बहुत अपमान किया गया है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन इससे पहले ये विवाद जहाँ से शुरू हुआ वो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से शुरू हुआ। उन्होंने रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया। बिहार में भी चंद्रशेखर यादव मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, उन्हें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये विवाद तूल पकड़ा उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में कद बढ़ गया और लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं और रोज न रोज कहीं ना कहीं हंगामा हो रहा है। पिछले दिनों राजू दास और कुछ संतों ने
चेतावनी दी थी कि स्वामी प्रसाद बाजाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बस वही बात पकड़कर ये कह रहे हैं कि महंत और उनके लोग त्रिशूल और तलवार से उनकी हत्या करने वाले थे। आज दोनों लोगों से के न्यूज़ ने बारी बारी से बात की, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच स्वामी प्रसाद को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर भी एक धड़ा बन गया था अगले नेताओं का, और रोली मिश्रा तिवारी और ऋचा सिंह नाम की दो महिला नेता लगातार ट्विटर पर आग उगल रही थी, ब्राह्मण स्वाभिमान की बात कर रही थी, अगड़ों की बात कर रही थी, और स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती भी दे रही थी। वो कह रही थी कि भाई कोई मसला शास्त्रार्थ से हल होता है, पढ़े लिखे लोग शास्त्रार्थ करते हैं, स्वामी आएँ और शास्त्रार्थ करें। ये विवाद जब बढ़ गया तो आज अखिलेश यादव ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह दोनों को पार्टी से निकाल दिया है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक निर्देश जारी किया है अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को, कि वो अगर टीवी डिबेट्स में जाएं या कहीं सार्वजनिक स्थान पर कोई बयानबाजी करें तो वो बुनियादी मसलों पर, बुनियादी सवालों को उठाएं, ना कि धार्मिक मुद्दों पर। वो कह रहे हैं कि धार्मिक मुद्दों की जो बहस हो रही है, हिंदू मुस्लिम की जो बात हो रही है, उसमें ना उलझें, परहेज करें। यही वजह थी कि आज बहुत मुश्किल से समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले लोग, शायद हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल से उनको कहीं कोई मिल गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वो अभी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके के बवाल, इस तरीके के हंगामे और कार्यक्रम क्यों कराते हैं मीडिया संस्थान, जब पता है कि आग और पेट्रोल को एक जगह रखने का अंजाम क्या होगा। समाज का जो माहौल है बेहद विस्फोटक बन रहा है, इस तरीके के बयानबाजी, धमकियां, चेतावनियां इससे बेहद विस्फोटक हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या उस मीडिया संस्थान या मीडिया चैनल की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ये दोनों, अगर आपने दोनों मेहमानों को बुलाया था तो उनका अलग अलग समय होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जो अपने आप में पत्रकारों की तरफ भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या पत्रकारिता, हम लोगों ने पत्रकारिता जब पढ़ी लिखी या हमारे उस्तादों गुरुओं ने ये बताया कि खबर चाहे जितनी सच्ची हो, प्रमाण और परिणाम, इन दो बुनियादी चीज़ों पर पत्रकारिता टिकी हुई है। अगर कोई बात आप कहते हैं तो उसके ठोस प्रमाण होने चाहिए, और कभी कभी आपके पास लाख ठोस प्रमाण हों लेकिन अगर उसके परिणाम समाज में विध्वंसक आने वाले हैं, ऐसा आपको लगता है, ऐसी आशंका है, तो वो खबर कतई नहीं दिखानी, चलानी, लिखनी चाहिए। ये पत्रकारिता के एथिक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उस मीडिया संस्थान के एंकर ने उनसे पूछा जब वो पहुंचे इस घटनाक्रम बवाल के बाद कि स्वामी जी आप क्या ठीक तरीके से आ गए अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको, इसका मतलब क्या है। इसका स्वामी साफ साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भूमिका पत्रकारों की भी रही है। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा है तो, और कम से कम पत्रकार बिरादरी को इस बात को सोचना चाहिए कि उसकी वास्तव में भूमिका क्या है। उसकी भूमिका किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यवस्था विशेष, किसी दल विशेष को ना तो बढ़ाना है और ना घटाना है, हमको एक सामंजस्य रखना है। इन सब इस तरीके की चीज़ों पे हमको उलझने की जरूरत कतई नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के बयान सुनिए, उसके बाद कुछ और रिएक्शन आपको दिखाएंगे। धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, वो समाज और देश को दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं
वो आतंकवादी अपराधी है, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। मुझको संविधान में आस्था है और संवैधानिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। यह 100 करोड़ हिंदुओं की बात है, 100 करोड़ सनातनियों की बात है, ये राजू दास की लड़ाई नहीं है। ना अकेले राम जी राजू दास के हैं, ना अकेले रामचरित मानस राजू दास की है। रामचरित मानस में हर जन जन का आस्था है, भगवान राम में हर व्यक्ति का आस्था और विश्वास है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता है, हिंदुओं को अपमानित करने का काम करता है, साधु संतों को आतंकवादी कहता है, ब्राह्मणों को नीच और कुटिल तक कहता है, इस चीज को लेकर हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसी चीज को लेकर बात आगे बढ़ी, जिसको लेकर वो मारपीट पर उतारू हो गया और उसने कहा कि भगवा आतंकवादी आ गया, इसके ऊपर हमला कर दो, मारो। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया, यह आरोप मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर है। राजू दास कह रहे हैं कि भाई उन्हें संविधान में आस्था है, स्वामी भी कह रहे हैं कि उन्हें उन संतों में आस्था है जो आतंकवादियों की भाषा नहीं बोलते, वो ये नहीं कहते कि सिर काट लाओ, जीभ काट लाओ, गला काट लाओ, नाक काट लाओ, वो संत हो ही नहीं सकते। स्वामी ये सवाल उठा रहे हैं, इशारा किसकी तरफ है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। और हनुमानगढ़ के महंत राजू दास कह रहे हैं कि हम संविधान में हमारा विश्वास है और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, जो साधु संतों, ब्राह्मणों, हिंदुओं, 100 करोड़ हिंदुओं को अगर कोई गाली देता हो तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो सदैव खड़े रहेंगे। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई दोनों तरफ से किसी पे कहीं नहीं नजर आ रही है। और अगर इसी तरीके से ढिलाई रही तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कतें होने वाली हैं और समाज में एक संदेश गलत जाएगा और इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। राजू दास के साथ जगतगुरु परमहंस महाराज जी भी थे, उनका एक बयान सुनिए और फिर रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव। लखनऊ के ताज होटल में एक कार्यक्रम था जिसमें अयोध्या से 2-3 संतों को बुलाया गया था, मुझे भी हिंदू राष्ट्र पर वहां अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। हम लोग वहां पहुंचे, कई विशिष्ट लोग थे, सभी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री जी वहां से निकल चुके थे और हम लोग पहुंच करके गेस्ट रूम में थे। उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो अपने काफिले से निकल रहे थे, उनके बाद हम लोग का कार्यक्रम था, तो हम लोग जैसे हनुमानगढ़ी के श्री राजू दास जी बाहर निकले और 2-3 संत निकले और वो उधर से वो मौर्य आ रहे थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखते ही कहा कि देखो आतंकवादी जल्लाद आ गए, इनको जान से मार डालो, और बड़े तेजी से उसके सारे समर्थक हमला कर दिए। और हम इधर से वो सोचा कि और कोई है या नहीं, 2-3 साधु हैं उसके साथ, 50 लोग थे, तब तक जो है हम इधर से दौड़े, हमने बड़े तेज से आवाज लगाया जय श्री राम। जैसे हमने इतने तेज से जय श्री राम बोला तो फिर स्वामी प्रसाद सबसे पहले भागा और सारे लोग छोड़ के भागे, हालांकि हमको उस समय जो है तब तक जो है प्रशासन वहां हमको रोक लिया, वहां नहीं जा पाए हम। तो आज इस तरह के घटनाक्रम रहा, मुझे इस बात से दुख है कि कुछ दिन पहले अयोध्या में कुछ बना बच्चों ने जो है तो कुरान की प्रतियां फाड़ दिया था, किसी मौलाना का वीडियो सुन करके कि कुरान की जो 27 आयतें हैं उससे आतंकवादी बनते हैं लोग, तो उनके ऊपर देशद्रोह लग गया था। और रामायण की प्रतियां जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जहर उगल के जलवा रहे हैं, उनके अनुयायी जला रहे हैं, स्वामी प्रसाद के ऊपर जो है तो देशद्रोह क्यों नहीं लगा, उनको जो है अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। इसलिए अयोध्या समय तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों पर अंगुली उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमारे रामचरित मानस को जलवा रहे हैं और जहर उगल रहे हैं और हमारे दलित भाइयों को अपमानित कर रहे हैं, महिलाओं। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के दो लोग अलग दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का मानना है कि उनके वक्तव्य गलत हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा में ये दो विचारधाराएं क्यों चल रही हैं? कोई नहीं, ऐसा है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं जो बिल्कुल जिनमें इतनी शक्ति होती है कि आदमी मुँह नहीं खोल सकता, वो तो अलग बात है, वरना राजनीतिक दल जो हैं वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं, इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं, और सबको लेके साथ चलना पड़ता है, कभी कभी सब काम आ जाते हैं।
राजनीतिक दल भोले बाबा की बारात की तरह होते हैं, टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। रामगोपाल जी बता रहे हैं कि भाई कुछ टेढ़े मेढ़े लोग हैं उनके साथ में जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद मंथन शुरू करूंगा। अब ये मसला कुछ बड़ा ही टेढ़ा है, हिंदू बनाम हिंदू ही है इसमें, स्वामी प्रसाद और उनके समर्थक भी और महंत राजू दास और परमहंसदास। परमहंसदास जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जब वो बहुत जोर से उन्होंने नाद जैसी उन्होंने जयकारा लगाया जय श्री राम, उसके बाद वो लोग भागे, ऐसा जगतगुरु परमहंस का कहना था। तो वास्तव में स्थितियां बन क्यों रही हैं? अब क्या स्थितियां यही बनने जा रही हैं कि आपस में हिंदुओं के ही धड़े लड़ें? और किसी को नहीं लड़ना चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात क्या, लेकिन अब क्या ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं? क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां, क्यों बन रहा? जाति धर्म बहुत सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। और मुझे लगता है कि जो इस तरीके के आयोजन हैं इन पर एक बार विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह के आयोजन होने चाहिए। जिम्मेदारी पत्रकारों की बनती थी कि भाई अगर दो लोग लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो आग और पेट्रोल एक साथ कैसे हो सकता है। मैं बार बार बहुत देसी भाषा में इस बात को कह रहा हूं। मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं। जाने माने स्कॉलर अजीम अख्तर साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अजीम अख्तर साहब ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं लंबे वक्त तक और सेवा भी की है जनता के, लोक सेवक के रूप में। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश और देश को समझने वाले प्रमोद गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। राष्ट्रीय प्रवक्ता OBC महासभा के रामलोटन निषाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। निषाद साहब बहुत स्वागत। सत्येंद्र सिंह साहब हमारे साथ सपा के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। अयोध्या से सुरेश यादव जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी पंकज त्यागी जी कर रहे हैं, वो खुद भी महंत हैं। पंकज जी बहुत स्वागत, क्योंकि ये मसला महंत संत और नेताओं के बीच का है। मंथन शुरू करने से पहले सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश कि चूंकि मसला बड़ा बृहद है, जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें मेहमानों को भी कहनी होती है, अपना पक्ष रखना होता है, तो निवेदन यह है कि 20-25 सेकेंड में पहले राउंड की बात खत्म करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिलेगा। क्योंकि मुझे लगातार इस कार्यक्रम के बाद लोग शिकायत करते हैं कि आप यहाँ जो बोल रहा तो भी बोल ही रहा है, दूसरा पौन घंटे तक इंतजार कर रहा। मुझे रोज़ खेद व्यक्त करना पड़ता है, इसलिए करबद्ध मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि बहुत संक्षिप्त और क्रक्स बातें आप लोग करेंगे तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से चलेगा। और एक और निवेदन कि कोई ऐसी बात मत करिएगा कृपया जो समाज को तोड़े, राष्ट्र को तोड़े, और मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख होगा अगर ऐसा कोई करेगा, और मैं करने दूंगा नहीं। मैं अजीम अख्तर साहब के पास जाऊंगा, स्कॉलर हैं और समाज को अलग अलग नज़रिए से उन्होंने देखा है, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अजीम अख्तर साहब, ये जो घटनाक्रम हुआ, अब अभी तक देश में ऐसा माहौल था कि भाई लोग ये आरोप लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, अब ये तो एक तरीके से इंटर रिलीजन टाइप का मसला हो गया कि भाई उन्होंने चुनौती दे दी, जीप काट देंगे, वो काट देंगे। जब एक कार्यक्रम में, एक चैनल के कार्यक्रम में जब दोनों आमने सामने हुए तो ये दृश्य सामने आया, ये क्या, किस तरफ ये जा रहा है मामला, समाज किस तरफ जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इस किस्म की बातों से जो हिंदुस्तान की एक पहचान थी, भारत की पहचान थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। हमारा मुल्क तो पूरी दुनिया में अपने यूनिटी और डाइवर्सिटी के लिए मशहूर था, आज उसका एक तरीके से लोग हैरान परेशान है कि हो क्या गया। अनफॉर्चुनेटली अगर लोगों को इजाज़त दे दी जाए या लोग अपने मर्जी से पुराने धार्मिक किताबों के हवालों से ऑब्जेक्शन रेज करने लगे, एक दूसरे मजाहिब के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, तो यकीन मानिए वो जो नारा है देश का विकास सबका साथ सबका विश्वास, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम लोगों को तो मिलकर मुल्क बनाना है, मुल्क को आगे ले जाना है, आने वाली जनरेशन को एक ऐसा हिंदुस्तान देना है जहाँ मजहबी प्यार मोहब्बत हो, सामाजिक प्यार मोहब्बत हो और एक दूसरे के लिए हमदर्दी का जज्बा हो। इस तरह की बातों से आपस में ना दोस्ती पैदा हो सकेगी, ना मोहब्बत पैदा हो सकेगी,
और न मुल्क की हम तरक्की में कोई कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर पाएंगे, इस बल्कि होगा ये कि हम वो गलत काम कर रहे हैं जो मुल्क की इंटरनेशनल सभी को नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया के मुल्क ये कहेंगे कि आपके अपने मुल्क में तो ये हो रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है, इससे हमें बचना चाहिए। और उसकी जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज़्यादा है कि अब वो इस तरह के मामलों को पॉलिटिकल टच ना दें। जहाँ भी पॉलिटिकल टच दिया जाएगा और लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो तमाम हालात खराब हो जाएंगे, नुकसानदेह होगा, जो मुल्क के लिए जो मुनासिब नहीं है। ठीक बात। इस तरह की चीज़ों को अगर हल करना है तो एकेडमिक तरीके से हल किया जा सकता है, सड़कों पर या अवामी तौर पर जलसों में जुलूस में इस तरह नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अब तो नौबत अजीम अख्तर साहब हाथापाई की आ गई है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, शैल शुक्ला ब्राह्मण सभा के संरक्षक है। शैल जी बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद कि न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ब्राह्मणों को लेकर ही मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो शुरुआत वहाँ से हुई कि भाई ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पोषण करने के लिए रामचरितमानस में ये सब लिख दिया गया, ब्राह्मणवादी लोगों ने लिख दिया, इसीलिए हमने आज ब्राह्मण सभा की नुमाइंदगी के लिए शैल शुक्ला को बुलाया है। मैं प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाऊँगा। गोस्वामी जी, आपने तो बहुत पानी गंगा में उतरते देखा है, आपने तासीर भी देखी है इस देश की, इस प्रदेश की, ये इस तरीके के दृश्य पहले भी कभी आपने देखे अपने 40-50 साल के पत्रकारिता जीवन में? दुर्गेश जी, ये अभी अख्तर साहब ने बड़ी संजीदगी से और बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा। दुर्गेश जी, एक दुर्भाग्य है, एक बात जो अख्तर साहब ने कही मैं उनसे 100% उनसे सहमत हूँ कि इस सारी जड़ की समस्या, उन्होंने ये नहीं कहा लेकिन ये मैं जोड़ के कह रहा हूँ कि आज जो भाईचारे की, गंगा जमनी तहजीब की, एक दूसरे के साथ जुड़ाव का जो रिश्ता इस देश में, इस मुल्क में रहा है और जाना जाता रहा है गंगा जमनी तहजीब के लिए, उसको इन राजनीतिज्ञों ने उसका जो है सत्ता की ललक में उसका सत्यानाश पीट दिया है, ये कड़वा सच है। जातिवाद की राजनीति, मंडल की राजनीति, कमंडल की राजनीति, ये कोई राजनीति नहीं, ये सिर्फ सत्ता को पाने की ललक ने जो है ये सत्ता हमको अब राजनीति जो है जन सरोकारों को के लिए है, लेकिन अब राजनीति जन सरोकारों से उसका कोई वास्ता नहीं रह गया है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता कैसे हासिल हो, किसके मतलब क्या शब्द उचित नहीं होगा शब्द प्रयोग करना, कि सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, आज राजनीति की ये दुर्दशा हो गई है और ये उसका ही दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो रामचरितमानस को लोग को हिंदू हिंदू हो, ये सारी चीजें इसमें न हिंदू हिंदू में कोई विवाद है और न हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद है, सत्यता यह है कि इन राजनीतिक दलों ने इस देश की जो तहजीब थी उसमें पलीता लगा। बहुत बड़ी बात, गोस्वामी जी ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत बड़ी बात कही। वो कह रहे हैं कि भाई ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना हिंदू हिंदू के बीच, ना हिंदू मुस्लिम के बीच, ये वोट है ना, वोट वोट की राजनीति। भाई अब चुनाव आ रहे हैं, अगर एक हवा देगा, अगर एक दल इच्छाधारियों को छोड़ेगा देश भर में तो दूसरा दल भी कोई मुद्दा लाएगा, अगर एक मंडल पकड़ेगा तो दूसरा कमंडल लेकर आएगा, अगर कोई कमंडल लेकर आता है तो मंडल लेकर आएगा और समाज की ऐसी तैसी हो जाएगी। बड़ा सवाल और चिंता भी मुझे हो रही है, क्योंकि समाज अगर इस मोड पर चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मैं बहुत अच्छा आगे चीजें नहीं देख रहा हूं अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता रामलोटन निषाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामलोटन जी, ये क्या शुरू हो गया है, कोई रामचरितमानस जो श्रद्धा का ग्रंथ है, कोई प्रतियां उसकी फाड़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई संतों को आतंकवादी कह रहा है, कोई कहीं हमले हुए जा रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है आखिर, और क्या ये एक बार फिर से नहीं आपको दिख रहा कि समाज बट रहा है और इसमें सबकी जिम्मेदारी है? देखिए सर, पहले तो रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ कहा जाना ही अनुपयुक्त है। तुलसीदास दुबे जी जो है स्वांता सुखाय की भावना से उन्होंने रामचरितमानस जैसा साहित्य का सृजन किए,
दूसरा बात मैं तो यह जो आज सामाजिक विकृति के रूप में दिखाई दे रहा है कि हिंदू हिंदू से ही लड़ रहा है, गाली गलौज और हाथापाई तक की स्थिति आई, इसमें राजनीति के मुद्दा नहीं रहा। प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव जी ने कहा कि एक काल में मनुस्मृति, दूसरे काल में रामचरितमानस और तीसरे काल में गुरु गोलवलकर का जो बंच ऑफ थॉट्स है उसमें तमाम ऐसे प्रसंग है जो पिछड़े दलित वंचित आदिवासी और नारी जाति के विरोध में है, और तत्काल जो अपने को परमहंस कहते हैं, जगत गुरु भी कहते हैं, परमहंस हम लोगों को हंस का जो गुरुधर्म पढ़ाया गया है कि नीर क्षीर विवेकी होता है, परमहंस हो गया जो परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो अपने को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी की भावना से अपने को विरक्त कर दिया, सांसारिक जीवन से विरक्त हो गया, वह अपने को परमहंस कह सकता है। आज सनातन परंपरा की बात होती है जो पांच इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने को आत्मा में अंतर्निहित कर लेता है, वही सनातनी हो सकता है। जिस तरह से तथा कथित जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने कहा कि चंद्रशेखर का जो गर्दन जिह्वा काट के लाएगा मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा, राजू दास ने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसे 21 लाख का इनाम देंगे, क्या धर्माचार्य अभी अभी कल एक चैनलों पर आ रहा था महामंडलेश्वर हरि सिंह का कि जो अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का, स्वामी प्रसाद मौर्य का वो गोली मारेगा मैं उसे जो है 51 लाख का इनाम दूंगा। तो दुकान खोल करके जनता को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, यह संत के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। रामचरितमानस में तमाम चौपाइयां, दोहे और छंद हैं जो वास्तव में जातियों को जो है नीचा दिखाने का काम किया गया है। मैं तो देखिए मैं राम को तो पुरुषोत्तम मानता हूं, भगवान ठीक बात है। राम रूटन जी अब मुझे जवाब ले लेने दीजिए। आपने लगभग जो आप बात कहना चाहते थे उसका बहुत सारा अंश आपने कह दिया। अब मैं जवाब लूंगा। पंकज त्यागी महंत भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। पंकज जी ये कह रहे हैं कि भाई क्या संत की भाषा हो सकती है? क्या संत की भाषा हो सकती है? ये मुझे लगता है इस बीच जगत गुरु परमहंस आचार्य जी अध्यक्ष जुड़ गए हैं। परमहंस जी बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद के न्यूज को वक्त देने के लिए। चूंकि परमहंस जी घटना के साक्षी हैं, गवाह हैं, और अभी जो हम परमहंस जी की बाइट सुना रहे थे दर्शकों को, उसमें वो कह रहे थे कि जब वो उन्होंने जय श्री राम की हुंकार भरी तब स्वामी भागे। परमहंस जी अभी हमारे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम लोटन जी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप और राजू दास ने जीभ काटने की, सर काटने की बहुत सारे इनाम घोषित कर दिए, ये संत की भाषा है क्या? और यही वजह है कि यह टकराव हो रहा है। जगत गुरु जी अनम्यूट करिए, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मैं इसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये वास्तव में महिलाओं का सम्मान चाहते हैं तो हलाला जो अभी कुप्रथा चल रही, हलाला को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज तक जो है कोई कदम नहीं उठाया, कोई डिमांड नहीं किया है। तो इनसे पूछना चाहता हूं कि महिलाओं के ऊपर जो हलाला हो रहा है बलात्कार हलाला के नाम पर, उसके विषय में इनके क्या विचार है पहले स्पष्ट कर दे। कुरान में जो है 27 आयतें जो ऐसी है जो गैर मुसलमानों को मर्डर करने की बात करती है, उस पर ये क्या विचार है? दूसरी बात इनको ये बता दू, कुरान के विषय में जो है बोलने में क्यों डरते हो भैया? वहां तो दलितों की, बर्डों की भी, महिलाओं की भी हत्या करने की बात है जो गैर मुस्लिम है। महाराज जी मुझे लगता है कि बहुत बहुत मुझे लगता है महाराज जी की कुरान और धर्म ग्रंथों की तरफ, दूसरों की तरफ नहीं जाना चाहिए हमें। आप अपनी बात करें, मुझे बेहतर लगता है कि वही किया जाए, नहीं तो कोई बात ऐसी निकल जाएगी फिर वो बवाला बनेगा। बोलिए बोलिए भाई, जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, जवाब दीजिए। सत्येंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आचार्य जी का जो सवाल है जगत गुरु परमहंस जी का, वो पूछ रहे हैं, 2-3 सवाल जवाब दीजिए। जगत
सियाराम, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि हलाला बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए, सत्येंद्र जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सत्येंद्र जी बोलिए, अनम्यूट करिए, आपको दर्शक सुन नहीं पा रहे सत्येंद्र जी। नहीं मैं तो अनम्यूट हूँ, आवाज आपको। हाँ हाँ दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। आचार्य जी हम लोग बात कर रहे हैं इस समय जो विषय है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। नहीं आपको जवाब देना चाहिए, आप हलाला का जवाब नहीं। पंकज त्यागी, पंकज त्यागी डिरेल मत करिए प्लीज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, डिरेल मत करिए। हलाला पे बहस हम कर लेंगे ना, आपकी सरकार ने तीन तलाक वाला कर दिया, अब कहाँ हलाला है भाई, लोग जेल जा रहे हैं अब। सर नहीं आपकी सरकार ने ये काम किया है ना। मेरी बात सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, बोलिए बोलिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले, परमहंस जी का जवाब देंगे वो, बोलिए। मैं मुझे लगता है कि कनेक्शन कुछ गड़बड़ा गया। पंकज से आगे आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। देखिए मैं एक बार मैं बिल्कुल परमहंस जी के साथ हूं, बिल्कुल साथ खड़ा हूं उनके, कि कोई भी अगर हमारे देश के सनातन धर्म से खेलेगा, रामचरितमानस कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है कि उसमें से निकालिए और हटा दीजिए। ये लोग मात्र अभी आपने राम गोपाल जी का आपने सुना था कि ये भोले की बरात है, इसमें सब है, तो इसका मतलब ये गुंडाई करेंगे, गुंडाई करेंगे, संतों को मार देंगे, हमारे एक संत को गिरबान पकड़ लेंगे। मैं बिल्कुल राम उनके परमहंस जी के साथ हूं, और परमहंस जी आप मेरी की ओर से सुनिए कि हमारा अखाड़ा आपके साथ है और हम खड़े रहेंगे आपके साथ। ये कोई ये गुंडाई अब चलेगी नहीं कि क्या नाम है ओवीसी का भाई आके कहता है हम इतनों को काट देंगे, इतनों को मार देंगे। ये तो क्या आपस में हिंदू हिंदू लड़ाओगे आप लोग? हिंदू हिंदू लड़ जाएगा? सुनिए ओबीसी भी हिंदू है और अगड़े भी पिछड़े भी संत महंत सभी तो हिंदू है ना, आप हिंदुओं की बात करते हो। नहीं नहीं सुनिए, आपस में लड़ाओगे? स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को फाड़ देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका कोई हिमायती नहीं है देश में, इसका कोई हिमायती नहीं है। रामचरितमानस सम्मान और श्रद्धा से देखा जाता है, आपने हमने सबने बचपन में उसका पाठ करके हम लोग बड़े हुए हैं। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, जब बीजेपी पार्टी में थे तब स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य एक चोर आदमी है, गलत आदमी है, उसकी भी उनकी बेटी हमारे बीजेपी से सांसद है, आज आप उसको रामचरितमानस को आप फाड़ने की बात करते हैं, एक संत पे आप क्या नाम है गिरबान पकड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, आप हमें काटेंगे? अभी अभी संत जाग गया, संत सुनिए, संत अगर जाग गया, अरे ठीक बात है पंकज त्यागी, अब आपकी बात आ गई, समाजवादी पार्टी के नेता को जवाब देने दीजिए पंकज त्यागी, समाजवादी पार्टी के नेता सत्येंद्र सिंह जवाब दें, सत्येंद्र सिंह सुन रहे हैं तो जवाब दें। फोन आ गया, मेरा कनेक्शन कट गया। सत्येंद्र सिंह सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर बोलिए। तो सर सबको प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए मैं आचार्य जी कहना चाहता हूँ कि आचार्य जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है ना वो ना भाजपाई है ना सपाई है, चोर है, वो तो केवल अवसरवादी नेता है, अवसरवादी नेता है। और आदरणीय हमारी समाजवादी पार्टी से, आपको समाजवादी पार्टी से निकाल देना चाहिए। सर मेरे हाथ में होता मैं अभी निकाल देता, मैं निकालने वाला नहीं हूं। आज अखिलेश यादव ने दो महिलाओं को निकाला है जिन्होंने की इनका विरोध किया है, उनका विरोध किया है, उनको निकाला गया है। आप क्यों नहीं कहते कि आप अखिलेश यादव जी से क्यों नहीं कहते, आप एक प्रवक्ता है कि इनको हटाया जाए निकाला जाए? हमारे जैसे प्रवक्ता नेपथ्य में आजकल जो इस समय मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी से भी कि जिस राह पे वो चल रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा है जानते हैं के न्यूज वाले हमारे भाई साहब कि जिस राह पे हमारे अध्यक्ष चल रहे हैं तो सत्ता से प्राप्त होने वाली नहीं है। एक ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ सर, आप सब और हम सब सुनते हैं श्रीमद् भागवत बड़ी कथा, सब महाराज लोग कहते हैं और हम लोग ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे समाज में जो श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित और सूत जी महाराज का संवाद है, तो राजा परीक्षित और सूत जी महाराज के संवाद को श्रीमद् भागवत के रूप में एक तरह से उसको संजोया गया है। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा सूत जी महाराज ने, और सूत जी महाराज
अगर हमारे समाज में जाति प्रथा इतनी प्रगाढ़ होती, अंदर तक होती, पूरी बात सुन लीजिए सर, तो सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा नहीं कह रहे होते। सूत जी महाराज का असली नाम उच्च श्रवा है और वो रोम हर्षण के पुत्र है, वो जाति से सूत है। सूत जी महाराज उस काल में भी जाति से सूत होते हुए श्रीमद् भागवत कथा को पूरे ठीक बात है। सत्येंद्र जी आपकी आपकी बात आ गई। मैं 10 सेकंड का जवाब रामलोटन से लूंगा, उसके बाद मैं सहेल शुक्ला और जो अयोध्या से सुरेश यादव जुड़े हुए सोशलिस्ट उनके पास जाऊंगा। रामलोटन जी बताइए, वो कह रहे हैं कि सूत जी महाराज शूद्र थे और आप लोग शूद्र और अगलों पिछड़ों का मुद्दा उठा के समाज में अजीब माहौल क्रिएट कर रहे हैं। सर मैं ये कहना मैं भी तो कर रहा हूँ, हम लोग भी तो यही मानते आए हैं सर कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारात दुज उच्चते वेदाध्यायी भवेत विप्रह ब्रह्म जाने तीति ब्राह्मण। तो आज जितने लोग अपने को ब्राह्मण कहते हैं विप्र कहते हैं, क्या ब्राह्मण और विप्र का गुणधर्म है? क्या चौबे पांडे तिवारी चटर्जी बनर्जी अब दोनों शांत हो जाइए, मैं सैल शुक्ला के पास जाऊंगा। सैल जी ये लगातार ये लोग कह रहे हैं भाई ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था इसकी वजह से सभी सब तरह चीजें आई और शूद्र वगड़े पिछड़े का नया संघर्ष समाज में शुरू कर दिया। सर निशा जी से एक बात पूछ लो जी, अब प्लीज अब सैल शुक्ला को बोलने दीजिए, आप लोग कृपया शांत हो जाइए जी। दुर्गेन जी काफी देर से सब एक से एक विद्वान हमारे बैठे हैं आदरणीय और सभी लोगों की जो है चौपाई वगैरह चल रही है, लेकिन इन सब चीज के बीच में हमने देखा जो कुछ आपने चार पांच मुख्य बिंदु उठाए हैं, मैं उनमें कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि राम गोपाल जी ने बरात जिक्र किया कि बरात होती है उसमें तो सभी तरह के लोग होते हैं, होती है बरात, हम लोगों के यहाँ बरातें होती हैं, लेकिन जब बरात में कोई उदंडी उत्पाती घुस जाता है तो उस समय उन बारात वालों का और बारात के मुखिया का फर्ज होता है कि उसको उठा के हम लोग टेंट के पीछे फेंक आते हैं, तो ये कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? दूसरी चीज ये उत्पाती जो भी है जो आज हमारे ग्रंथ को इतने दिनों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे महात्माओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, हमारे आज हमारे देश में हिंदू राज्य है, माननीय योगी जी की हमारे प्रदेश में सरकार है, देश में हमारे मोदी जी की सरकार है, किसी की मजाल नहीं है कि दो शब्द ऐसे में हमारे ग्रंथों के हमारे धर्म के विषय में बोल सके। और कोई आदमी आज पिछले 10-15 दिनों से खुलेआम इस तरह से करता घूम रहा है तो ये रिश्ता क्या कहलाता? अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो कौन जिम्मेदार है सैल जी? क्या अखिलेश यादव इसकी कार्रवाई करने जाएंगे? अरे भाई योगी जी मोदी जी की सरकार है, बंद कराएं स्वामी प्रसाद मौर्य को, उठा के जेल में डालें, रासुका लगाएं, रुका है क्या किसी? यही कहना जा रहा, मैं वही कहने जा रहा हूँ। बोलिए सैल जी, बोलिए 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 सैल सैल शुक्ला बोलिए। रामलोटन जी रामलोटन जी आप रुकेंगे, सैल शुक्ला को बोलने दीजिए, बोलिए। सर जी को ये सोचना चाहिए कि ये बराती जो हमारी बारात में आया है ये वाकई में बराती है या उद्धम करने के लिए हमारी बारात में डाला गया है लाके, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये हमारे माननीय योगी जी को देखना चाहिए कि ये आदमी इतने दिनों से इस तरह से बस सलूकी कर रहा है और हमारे समाज में हमारे ग्रंथों से हमारे आचार्यों के साथ बस सलूकी हो रही है, जिनके हम लोग पैर पूछते हैं, उनको ये बीच महफिल में भरी बाजार में बेइज्जत कर रहे हैं, ये क्या है, क्यों है, क्यों शुक्ला कोई कार्रवाई नहीं करेगा? ओबीसी वोट सबको चाहिए, मैं कटु बात कह रहा हूँ, अच्छी लगे तो उसको जेब में रख लेंगे और बुरी लगे तो थूक दीजिएगा, कोई नहीं कहेगा, मसला ओबीसी का है। मैं अयोध्या से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश यादव के पास जाऊंगा। सुरेश यादव जी, क्या संतों से हाथापाई बवाल और ये सब ये क्या हो रहा है भाई? संत हमारे समाज के पुजरी हैं, मंडल कमंडल सूद रगड़े पिछड़े समाज किस ओर जा रहा है? सुरेश यादव अनम्यूट करिए, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं, अनम्यूट करिए। देखिए हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही सुरेश यादव, बोलिए। फिर व्यवधान हो गया कुछ, ठीक करिए उसको, अनम्यूट करिए सुरेश जी। जी उनकी आवाज नहीं आ रही है।
मुझे नहीं लगता कि उनसे बात हो पाएगी। मैं चाह रहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो एक बार इस पर बोलते, उनका बोलना बड़ा महत्वपूर्ण है। सुरेश जी एक बार और प्रयास करें, अगर आप, 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 आप आपका फोन अनम्यूट हो जाए, बोलिए। नहीं बिल्कुल नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के दरमियान मैं साथियों से कहूंगा कि इसे ठीक किया जाए, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के बीच में रहता है, मुझे नहीं लगता कि नाम भले उनका सुरेश यादव है लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो समाजवादी पार्टी से संबंधित होंगे, वो कम से कम एक न्यूट्रल बात आएगी। एक ब्रेक ले रहा हूं। बड़ा सवाल यही है, शैल शुक्ला जो ब्राह्मण सभा के संरक्षक हैं, ये बवाल दरअसल अगले पिछड़े मनु ब्राह्मण यहां से शुरू हुआ कि भाई जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पोसने वाले लोग थे उन्होंने इस तरीके की चीजें एक ग्रंथ में लिखी, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर यादव जो वहाँ के बिहार के मंत्री हैं, वहाँ से बवाल शुरू हुआ और यहाँ तक आ गया। रामचरितमानस के प्रति इस देश के और दुनिया की अगाध श्रद्धा है, इसमें भी कहीं कोई किंचित मात्र दो राय है ही नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता अयोध्या से सुरेश यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, कुल मिलाकर वास्तव में समाज किस दिशा में जा रहा है, आप समाज के बीच में रहते हैं, आप देखिए कि अगड़े पिछड़े हिंदू हिंदू आपस में क्या हो रहा है। हूं मैं समाज सेवी हूं, मैं क्षेत्र में अच्छा काम करता हूं, गरीबों के लिए मैं काम करता हूं। मैं चाहता हूं जिस तरीके से जो है परमहंस महाराज जी से और राजू दास जी से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने विवाद का जड़िया खड़ा किया, ये अच्छी बात नहीं है। पूरे भारत और पूरे प्रदेश में अच्छा संदेश नहीं गया है। हाँ ठीक बात, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस तरीके के ये स्थितियां परिस्थितियां क्यों बनी, इस पर कोई प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, मैं भगवान राम को मानता हूँ, अपना आदर्श मानता हूँ। सारे लोग मानते हैं, विश्व के बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं जी। झगड़ा की जड़ जो है ये स्वामी प्रसाद मौर्य है। झगड़ा की जड़ जो है, ठीक है, मैं गोस्वामी जी के पास जाऊंगा। गोस्वामी जी, क्या एक हाथ से ताली बज रही है क्या? जी, मैंने पहले ही ये बात कही कि ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए ये कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। समाज को लड़ाया जा रहा है, भाईचारे को नष्ट किया जा रहा है, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका रामचरित मानस जैसे ग्रंथ पर इस ढंग की टिप्पणी निश्चित रूप से समाज में अशोभनीय ही कही जाएगी और लोग कह भी रहे हैं। वो ग्रंथ जो है वो रामचरित मानस, वो पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। गोस्वामी जी, अब टिप्पणी नहीं, अब तो हाथापाई होने लगी। टिप्पणी तो दूर की बात हो गई, अब तो आमने सामने हो रहे, हाथापाई हो रहा, हाथापाई चल रही है। मैं स्वामी कह रहे हैं कि राजू दास ने त्रिशूल मारा, परमहंस दास त्रिशूल लेकर दौड़े, लाठी लेकर दौड़े, और ये कह रहे हैं कि वो गला दबाए दे रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति, संत महंत आचार्यों भी आचार्यों पर इस तरह की घटनाएं हो रही है दुर्गेश जी। लेकिन उसके साथ साथ जहां ये बात है वो सच ये भी है कि हमारे समाज के पथ प्रदर्शक साधु संत महात्मा मंडलेश्वर धर्माचार की भाषा जिस ढंग की प्रयोग हुई है कि जिभ्या काटने के लिए, गर्दन उतारने के लिए, ये उनकी भी भाषा नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी धर्माचार को शोभा नहीं देता, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं। नाराजगी उनकी हम समाज से सबसे ज्यादा धर्माचार्यों को होगी, हो रही है, उनकी व्यथा स्वाभाविक है, निश्चित रूप से उनको उनको इसकी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन फिर मतलब एक आम में और धर्माचार में फर्क तो दिखना चाहिए। धर्माचार्यों की ये भाषा भी हम, मैं समझता हूं कि शायद सर्वथा अनुचित है, उचित नहीं है। नहीं, आप थोड़ा सा एक मिनट जी, जैसे आप कह रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि मैं रावण वध नहीं करना चाहता हूं, जा करके उसको समझा दो कि वो सम्मान पूर्वक माता जानकी को वापस कर दे। बोले काज हमारे पास ही थोड़ी, रिप्टन करे वध कही सोई, उसका वध करना पड़ा। क्या आप कहेंगे कि राम जी गलत थे क्या? हनुमान जी ने राक्षसों का वध किया तो क्या आप कहेंगे कि हनुमान जी गलत थे क्या?
रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं महोदय? रामचरितमानस को भारत की धरती पर जलाया जा रहा है, उसका समर्थन करने वालों को तो जीने का अधिकार नहीं धरती पर, आप कहां से बात बोल रहे हैं? आचार्य जी नाराज मत होइए, वो कतई ये नहीं कह रहे हैं, वो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि संयम बरतना चाहिए, वो कतई ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हनुमान जी मत बनिए, वो ये कतई नहीं कह रहे हैं कि भाई आप वो मत करिए, लेकिन कम से कम जो भाषा अगर समाज को विघटित करती है उसे बचना चाहिए, इतना वो कह रहे हैं। रामलोटन निषाद पहले गोस्वामी जी बोलेंगे, फिर रामलोटन निषाद के पास जाएंगे। बोलिए गोस्वामी जी। महाराज जी, धर्माचार्यों का मतलब ये ठीक है, इसकी आलोचना होनी चाहिए, मैं भी आलोचना कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने भी आलोचना की, लेकिन धर्माचार्यों के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। हाँ, अगर ये चीजें इतनी चीजें बिगड़ गई होती, ऐसा नहीं है, खाली रावण ने अगर वो कहीं एक घटना कर दी और उस पर भगवान राम जो है उतर गए और उन्होंने मतलब उनका वध कर दिया या उनको पराजित कर दिया, ऐसा नहीं है महाराज जी। मैंने कहा कि धर्माचार्यों की मर्यादाएं में रहना धर्माचार्यों को भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो अमर्यादित हो जाएं, भाषा उनकी बहुत शालीन होती है, उनकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गोस्वामी जी, ठीक है, ये रण क्षेत्र बना हुआ है, आपस में दोनों आपस में लड़ रहे हैं, संतों पे हमले हो रहे हैं, स्वामी के समर्थक संतों को मार रहे हैं, स्वामी आरोप लगा रहे हैं कि संतों ने त्रिशूल चलाया, ये स्थितियां क्यों आई? क्या पत्रकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या पत्रकार अपनी टीआरपी अपने लाभ के लिए संतों और समाज के लोगों को आमने सामने लाकर नहीं लड़ा रहे हैं? ये बड़ा बड़ा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि अब सिस्टम और तंत्र क्या कर रहा है? सिस्टम और तंत्र, इतना बड़ा बवाल हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक जेल क्यों नहीं गए, इसका जवाब कौन देगा? स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी जी, देखिए दुर्गेश जी, देखिए अब जो मीडिया का रोल है, वो रोल अपने वो भी अपने दायित्व से हट गया है, अब वो सिर्फ भजन कीर्तन में अपने को उसने संलग्न कर लिया है। मैं मीडिया से हूं, मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि अब मीडिया का जो दायित्व है, जो चौथा स्तंभ है समाज की संरचना को, समाज की व्यवस्थाओं को, सरकार को आईना दिखाने का काम मीडिया का है, ना कि भजन कीर्तन का। ठीक बात है, मैं पंकज त्यागी से 10 सेकंड का रिएक्शन लेता हूं। पंकज जी, ये कार्रवाई करना किसकी जिम्मेदारी है? पंकज त्यागी जी, इसमें 10 सेकंड में जवाब चाहिए। देखिए, हम कार्रवाई तो इसमें होगी और जरूर होगी, एक संत के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस जला रहे हैं, वो अब तक बाहर क्यों घूम रहे हैं? अभी अभी हम हिंदुवादियों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, क्यों क्यों अभी अभी घूम क्यों रहे बाहर? वो जेल के अंदर क्यों नहीं गए? ऐसा कौन सा डर है स्वामी को गिरफ्तार करने में? काहे का डर? वो है कौन, उसकी औकात? अरे आप यहाँ बैठ के कहते रहोगे कौन है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया आप लोगों ने अभी तक? आप बहुत जल्दी देखेगा उनका हाल क्या करेगा, सनातन धर्म ही उनको सजा देगा। और एक हमारे एक संत के साथ ऐसा करा है, फिर वही सुनिए, एक सनातन धर्मी के साथ ऐसा, भीड़ का कानून की बात करें, सनातन धर्मी सजा देगा, सनातन धर्मी क्यों सजा देगा? कोर्ट कहाँ चला गया इस देश का, संविधान कहाँ चला गया इस देश का? सैल शुक्ला आपके पास आऊंगा, फिर मैं फाइनल महंत जी के पास जाऊंगा। सैल शुक्ला मैन जी, मैं आपसे ये कह रहा कि हमारा अखाड़ा आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है। ठीक है, महन जी ने सुन लिया कि आपका अखाड़ा जगत गुरु परमहंस जी के साथ है, सुन लिया उन्होंने, सुन लिया, लिख भी लिया उन्होंने। सहल शुक्ला, ये मसला है क्या? रामलोटन जी देखिए, वही बात सब सामने आ गई है, जो बात मैं भी कह रहा था, गांधी जी भी वही बात कह रहे थे कि उनको भूमि दिया जाएगा। जगत गुरु जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, जगत गुरु जी आ रहा हूँ, जरा ब्राह्मण सभा के नेता हमारे साथ, मैं उनसे जरा बात कर लेते। बोलिए। बुलडोजर चला होता और आज वह जेल में होता, सारे विवाद की जड़ जो है यह बाबा परमहंस आचार्य और राजू दास जी है, यह हमेशा। देखिए बवाल, रामलोटन जी बवाल को बढ़ाइए मत, मेरा सवाल है, मैं बवाल नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं
कि भाई सैयद शुक्ला ने कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक, ये ब्राह्मण नेता हैं, इनको भी टीस पहुंची, इनके भी दिल में कष्ट हुआ है कि भाई कहा जा रहा है कि सब कुछ ये मनुवादी ब्राह्मणवादियों की व्यवस्था है। अगर ये ऐसे बोलेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। अगर ये ऐसे बोलेंगे भाई बारी बारी से, मंथन का वक्त खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। सैयद शुक्ला 10 सेकंड, उसके बाद मैं सीधे अजीम अख्तर साहब के पास जाऊंगा, फिर महान जी से खत्म करूंगा कार्यक्रम को। बोलिए, आपने पूरी बात हमारी सुनी है। मैं त्यागी जी से यही कहना चाहूंगा, त्यागी जी कह रहे हैं अभी इनको घूमने दिया जाएगा। त्यागी जी किस चीज का इंतजार हो रहा है, क्यों घूमने दिया जाएगा? ये भोले बाबा की, ये भोले बाबा की वो है ना बारात, इसलिए घूमने दे रहे हैं हम इन्हें। अरे वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है त्यागी जी, वो ब्राह्मण सभा के नेता है, ये बात उनसे कहिएगा। समाजवादी पार्टी के नेता चले गए, वो सवाल उठा रहे हैं आप पे। अजीम अख्तर साहब, ये समस्या कैसे हल होगी? अजीम अख्तर साहब संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर मैं महान जी के पास जाऊंगा, जगत गुरु जी के पास। मैं समझता हूं कि सारा विवाद पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और इस मोटिवेटेड विवाद को हवा देने में हमारा मीडिया ज्यादा रोल अदा कर रहा है, अखबार और टेलीविजन वाले, जबकि समझ रहे हैं कि ये रंग दूसरा ले रहा है, कमला रंग ले रहा है, आपस में मारपीट होने वाली, तो सेल्फ सेंसर क्यों नहीं लागू कर लेते? इस तरह की चीजों को आप टेलीकास्ट मत कीजिए, इस तरह की चीजों को अखबार में न छापिए, जिसको पढ़ने के बाद धार्मिक जज्बात भड़के हैं और लोग सड़क पर आ जाए। ये बहुत जरूरी है, अगर हम हमारे पत्रकार लोग जो हैं वो खुद सेल्फ सेंसर इख्तियार कर लें और खुद अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें कि इस तरह की चीजों को हाईलाइट करने से मामला खराब होंगे। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह की डिस्कशन यहाँ इस वक्त मैंने देखा है वो नहीं होता। इस वक्त जो डिस्कशन हुआ वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं डाला उसने। ठीक बात है। अजीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि भाई लिखने पढ़ना इस तरह नहीं चाहिए। अरे लिखना पढ़ना तो छोड़िए, यहाँ आमने सामने लड़ा रहे हैं लोग, और ये काम ऐसा नहीं कि पत्रकार नहीं कर रहे हैं। मैं जगत गुरु परमहंस जी के पास जाऊंगा। जगत गुरु, इस प्रदेश की, इस देश की जनता को एक ऐसा संदेश और संकेत आपके आज आपकी वाणी से, के न्यूज के इस मंच से जाना चाहिए कि लोग सब एक रहें, विघटनकारी ताकतें दूर रहें। आपका संदेश, और इसके बाद मंथन खत्म करूंगा। जगत गुरु आचार्य परमहंस, देखिए जिस तरह से अभी सारी बातें सामने आई, लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान को वापस ले लेंगे तो हम धर्माचार्य भी अपने बयान को वापस ले लेंगे। हम अहिंसा पर विश्वास रखते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन फाइनल राम लोटन जी, नहीं महान जी को अब बोलने दीजिए, फाइनल कमेंट खत्म जी। बोलिए महान जी, आचार्य जी परमहंस जी बोलिए। को मैं बता रहा हूँ, इनके माता पिता कई साल राम जी के पास लौटे हैं, तब ये पैदा हुए हैं, इसलिए इनका नाम राम लोटन रखा गया है। ये अभी आप चुप रहिए, सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, रामचरितमानस में सबका सम्मान है, माताओं बहनों बेटियों का, आप समझिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दलित महिला का जो है जाके जूठा बैर खाया है, वहाँ महिलाओं का भी सम्मान है, दलितों का भी सम्मान है, उस रामचरितमानस को जलाने वाले। मैं रामचरितमानस पर और मनुस्मृति पर चैलेंज, मैं अलग से बहस करा दूंगा। राम लोटन निषाद जी और महाराज जी को अलग से बुला लूंगा। महाराज जी का संकेत और संदेश जाने दीजिए, बस खत्म करूंगा। महाराज जी 10 सेकंड में, आचार्य परमहंस जी 10 सेकंड में खत्म करिए। क्या मनुभा चल रहा है, क्या है महाराज जी? दुर्वासा का बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जगत गुरु आचार्य परमहंस जी का बहुत शुक्रिया। सैयद शुक्ला आपका शुक्रिया। अजीम अख्तर साहब आपका शुक्रिया। प्रमोद गोस्वामी जी आपका शुक्रिया। पंकज त्यागी, रामलोटन निषाद, सत्येंद्र सिंह और सुरेश यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम को देखते हैं। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने शिरकत की, और अगर जो भी कुछ बोला वो उनके निजी बयान थे, के न्यूज का इन बयानों से कोई वास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।